नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मंगलवार को प्रदेश भर में मनाया जाएगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी उत्सव। मुख्यमंत्री डीबीटी के जरिए 51 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में करेंगे राशि ट्रांसफर। प्रदेश में बनेंगे 10 अल्पसंख्यक छात्रावास, जयपुर में वर्किंग वुमेन हॉस्टल और जोधपुर में नागरिक सुविधा केंद्र के निर्माण को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। श्रावण मास के पहले सोमवार को देवस्थान मंत्री ने किया जयपुर के श्री रामेश्वर जी मंदिर में रुद्राभिषेक। प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए की कामना। मंगलवार को प्रदेश भर में राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थी उत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री निवास से वीसी के जरिए 51 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में मई और जून महीने की बढ़ी हुई पेंशन के रूप में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ट्रांसफर करेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में भी जिला स्तरीय लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लाभार्थी वीसी के जरिए राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम से जुड़ेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में 7 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन और लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 75 वर्ष तक की आयु के लाभार्थियों को दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की थी। प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को बेहतर तालीम मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार विभिन्न जिलों में छात्रावास खोलने जा रही है। इसके साथ ही जयपुर के मानसरोवर में कामकाजी महिलाओं के लिए एक छात्रावास और जोधपुर में अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इनकी स्थापना सहित अल्पसंख्यक विकास कोष की राशि 200 करोड़ रुपए खर्च करने और वर्ष 2022-23 में अनुमोदित प्रगतिरत कार्यों को भी कोष के तहत कराए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा अनुरूप जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय की कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनेगा। ये 100 बेड का होगा। इसमें विभिन्न जिलों से जयपुर में आकर काम करने वाली अल्प पारिश्रमिक प्राप्त महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं जोधपुर में 12.60 करोड़ रुपए की लागत से अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र बनेगा। यहां अल्पसंख्यकों से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। केंद्र में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन होगा। प्रदेश के किसानों को फल और मसाला बगीचे की स्थापना पर अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अनुदान के लिए 23.79 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस फैसले से किसानों को फल और मसाले बगीचे लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के 500 शिक्षक अब देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्यापन संबंधित प्रशिक्षण ले सकेंगे। वे इन संस्थानों में अध्यापन में किए जा रहे नवाचार और तकनीक को समझेंगे। इससे प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा इस संबंध में टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस यानी TIE कार्यक्रम के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। इसमें शोध और प्रशिक्षण सुविधा पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 23.50 करोड़ रुपए खर्च होंगी। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार हर जिले में जॉब फेयर्स करवा रही है। अलग अलग जिलों में लगे रोजगार मेलों में हजारों युवाओं को रोजगार मिल चुका है। इसी कड़ी में 11 जुलाई को राजसमंद में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर की निजी कंपनियां इस फेयर में भाग लेकर युवाओं को मौके पर ही प्लेसमेंट देंगी। कंपनियों के अलग अलग काउंटर होंगे जहाँ प्लेसमेंट होगा। करियर गाइडेंस और सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद 3 कंपनियां सिलेक्ट करनी है। युवा 3 कंपनियों में इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू के लिए टाइम स्लॉट और कंपनी के संबंध में SMS से जानकारी दी जाएगी। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश भर में 100 मेगा जॉब फेयर लगाने की घोषणा की गई है। प्रदेश में होने जा रहे राजस्थान युवा महोत्सव की तारीख में बदलाव किया गया है। अब इस महोत्सव का शुभारंभ 16 जुलाई से 25 अगस्त 2023 तक होगा। पहले युवा महोत्सव के आगाज के लिए 10 जुलाई 2023 निर्धारित की गई थी। प्रदेश के युवाओं की प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें मंच प्रदान करने के लिए राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर किए जाएंगे। इसके माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संवारने का काम किया जाएगा।
इस महोत्सव का मकसद राज्य के प्रतिभाशाली युवा कलाकारों की खोज कर उन्हें प्रशिक्षण और सुविधा देकर राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। श्रावण मास के पहले सोमवार को देवस्थान मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने जयपुर के आमेर स्थित श्री रामेश्वर जी मंदिर में सहस्त्र धारा रुद्राभिषेक किया। उन्होंने रुद्रपीठ के उच्चारण के बीच विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया और प्रदेश में समृद्धि और अच्छी वर्षा की कामना की। उन्होंने कहा कि श्रावण के पहले सोमवार को ही भगवान शिव की कृपा हुई है और इंद्रदेव ने चारों ओर अच्छी बारिश के रूप में खुशियां बरसाई हैं। देवस्थान मंत्री ने कहा कि विभाग के अधीन आने वाले शिवालयों में श्रावण मास के हर सोमवार को ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है, इसलिए विभाग की ओर से भक्तों के लिए शिवालयों में पूजा अर्चना और विशेष श्रृंगार की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि श्रावण मास और अधिक मास के सभी आयोजनों के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। आज सावन का पहला सोमवार है, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री की भावनाएं सेवा ही परमो धर्म है, उसको साकार करने का काम किया, चाहे कामधेनु योजना हो, चिरंजीवी योजना हो, ओल्ड पेंशन हो, RGHS हो, ये बहुत सारी योजनाएं ला कर के, चाहे गायों का अनुदान राशि देने का काम हो। आज हम ये जो कर रहे हैं जलधारा शस्त्र धारा, सावन में महादेव की जलधारा करने का अलग ही एक महत्व माना गया है ग्रंथों में। सदा से ही सदाशिव महाराज शंकर भगवान एक आदिनाथ हैं, शंकर भगवान जैसे महाकाल में महाराज माना जाता है महादेव को, तो आदि काल से ही मानते आए हैं अपन, और आदिदेव महादेव की पूजा आज हमने जलधारा यहाँ रखी है। प्रदेश में सुख और शांति रहे, सौहार्दपूर्ण रहे, सब आपस में पूरे प्रदेश में प्यार प्रेम से मिलकर रहे। प्रदेश भर में पिछले 2-3 दिनों में जबरदस्त बारिश का दौर जारी है। जयपुर मौसम विभाग केंद्र निदेशक ने बताया कि अगले 24 से 48 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी और अति बारिश की संभावना है। आज दिनांक 10 जुलाई को उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के इलाकों के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। मानसून ट्रफ लाइन आज बीकानेर लो प्रेशर एरिया से होते हुए मणिपुर तक एक्सटेंडेड है। इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर पश्चिमी भारत और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर सक्रिय है। इन तीनों सिस्टम की वजह से राजस्थान में पिछले 2-3 दिनों से मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश माउंट आबू में 231 mm रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा अजमेर, जयपुर, कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश का दौर आज भी दक्षिणी राजस्थान के जो उदयपुर संभाग के विशेषकर सिरोही, इसके अलावा जोधपुर संभाग की यदि बात करें तो पाली, वहीं जालौर जिलों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वी राजस्थान के जयपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में भी भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश का दौर अभी भी अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती ज़िले हैं, विशेष रूप से जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, इन जिलों में अगले 3-4 दिनों तक बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। केवल छुटपुट स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश भी होने की संभावना बनी रहेगी। संभाग वाइज यदि बात करें तो कोटा संभाग, वहीं उदयपुर संभाग, जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों तक कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश भी होने की संभावना है। इसके बाद दिनांक 12 जुलाई को भारी बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी होगी। केवल कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि 13-14 जुलाई से एक और नया सिस्टम सक्रिय होगा, मानसून फिर से सक्रिय होगा। तो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।